अगर मैं आपको सबसे पहले बताऊँ ना, तो शाहरुख खान का नाम लेते थे तो सबसे ऊपर की फिल्में आती है स्वदेश, चक डे इंडिया, माय नेम इज खान, एक और नाम ऐड कर लो डंकी है, एक और नाम ऐड कर लो। इतनी प्यारी पिक्चर बनाई है राजकुमार हिरानी की, वन ऑफ द बेस्ट फिल्में ये थ्री इडियट, संजू, पीके, इस लेवल की पिक्चर बनाई है राजकुमार हिरानी ने। एक एक सीन इसका एंटरटेन करके रखता है, एक एक सीन आपको एकदम हंसाता है, और जैसे हंसाएगा वैसे रोला भी देगा। पिक्चर यहाँ पे जाके हिट करती है। और मुझे पता है लोग कहेंगे कि बोर हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, मैंने भी सुना, बट आप एक्शन देखने के इतने आदि हो चुके हैं ना कि आपको हर 5 मिनट में सीटें डाली चाहिए, ऐसा नहीं होगा। आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा, पिक्चर अंदर बैठानी पड़ेगी, क्योंकि ये पिक्चर घर की है। और ये बात नहीं है कि जो लोग अपने देश के बाहर जाते हैं उनको भी पसंद आएगी, नहीं, हम लोग एजुकेशन के लिए, पढ़ाई के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए भी अपने स्टेट से बाहर जाते हैं ना, घर याद नहीं आता। ये एक्ट वाइज शाहरुख खान की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म है। सभी एक्टरों ने बहुत अच्छा काम किया है, कॉमेडी रोल में तो अलग लेवल पर हंसाया। बोमन ईरानी पिक्चर का सबसे हाईलाइट पॉइंट है, मतलब आदमी क्या है वो, हंसा हंसा के पागल कर दिया हम लोगों को। और विक्की कौशल जो काम संजू में किया था ना कमलेश कपास के लाल में, वही सेम इम्पैक्ट इधर डाला है उन्होंने, यहाँ दिल पे जाके लगता है उनका रोल। बहुत प्यारी पिक्चर बनाई है, मूवी में जो क्या सिचुएशनल कॉमेडी है, यानी बहुत इतनी क्लीन कॉमेडी है, आपने इस टाइम तक अभी तक इतनी कोई क्लीन कॉमेडी देखी नहीं होगी, और बहुत टाइम हो गया हमने क्लीन कॉमेडी देखे हुए, तो इतनी क्लीन और इतनी फ्रेश कॉमेडी है ना, बहुत पसंद आती पिक्चर। आउट ऑफ 5, आउट ऑफ 5 इसको इमोशन, मतलब बताया कि आपने इंडिया जो छोड़ के जाते हैं उनको कितना मतलब तकलीफ उठानी पड़ती है डंकी रूट के थ्रू, मतलब वो फिर वो आना तो इंडिया ही है आखिरी में घूम के। शाहरुख की अल्टीमेट तापसी पन्नू, तापसी पन्नू और विक्की कौशल, सेकंड हाफ वैसे ही था, मजा नहीं आया, फर्स्ट हाफ इज गुड, सेकंड हाफ ठीक है। राजकुमार हिरानी की फिल्मों की तरह फील था या नहीं? नहीं था, वैसा नहीं था, उसकी बहुत सारी चीज़ रिपीटेड थी, लाइक फॉर एग्जांपल उसके बाद अगर कि जो थ्री डेट्स में दिखाया था वो कॉपी पेस्ट हुआ, वही कैरेक्टर भी कुछ कुछ आए हैं। अच्छा, थ्री डेट्स वाले ही थे, और जो एग्जाम्स का जो पैटर्न थोड़ा मोटा दिखाया या शराबी के जो थ्री डेट्स में वो बंदा जाता था वो सेम चीज़ वो रिपीट हुई, तो ठीक है, फर्स्ट हाफ इट्स गुड, थोड़ा बहुत है, सेकेंड हाफ थोड़ा खींचा है। ऐसा है जो मूवी में दिखाना चाहा है कि जो कैरियर को लेके जो एम्बिशंस होता है आज की जनरेशन को, उनका ब्रेन वॉश करना ज़रूरी है कि फैमिली सेंटिमेंट्स भी ज़रूरी है, और अगर ऑर्गेनाइज तरीके से आदमी जाता है तो सब कुछ अचीव कर सकता है। तो यहाँ इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन जो प्रोफेशनल्स लोग होते हैं जो मिस में। परफॉर्मेंस वाइज मूवी कैसी है तापसी पन्नू? बहुत अच्छी मूवी है, देखना चाहिए, फैमिली मूवी है, बढ़िया पिक्चर है। क्या क्या अच्छा मूवी अच्छी लगी और क्या लगा? कैसी लगी? पूरी बांध के रखी मूवी, एक साथ देख सकते हैं, और ये मूवी एक बार देखी जानी चाहिए, वैसी मूवी है। इसमें शाहरुख का देश प्रेम भी बताया गया है, और किस तरीके से बाहर जाने पर विदेशों में किस प्रकार की दिक्कतें आती है वो बताया है, और राजकुमार हिरानी और शाहरुख खान को साथ में काम करते हुए देख के अच्छा लग रहा। एंटरटेनमेंट है या नहीं ये सब चीज़ें? तो क्या सोशल मैसेज तो है ना अक्षय की हर फिल्म में होता है। एंटरटेनमेंट ये है कि पूरी मूवी बांध के रखती है, और पूरे टाइम इंसान कॉमेडी के बीच में रहता है, कहीं कहीं बोर नहीं होता है, पूरा इन्वॉल्वमेंट रहता है, कहानी को कैसे कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ाया है। जो फैन ना होंगे वो बुराई निकाल सकते हैं, पर जो एक फैन है राजकुमार हिरानी को समझते हैं तो क्या संदेश मिला है मूवी से वो चीज़ समझ में आएगी, तो एक बार देखेंगे जरूर तब समझ में आएगी। डंकी मूवी तो अच्छी थी, वन टाइम वॉच है सीरियसली, बट हाँ एक इंस्पिरेशनल मूवी है, जो लोग शॉर्टकट अपनाते हैं उनके लिए है कि शॉर्टकट कभी जानलेवा भी हो सकता है। तो हाँ ये है कि बता दिया है कि आप लीगली जाओ माइग्रेशन के थ्रू, शॉर्टकट मत अपनाओ। परफॉर्मेंस वाइज कैसी है? परफॉर्मेंस वाइज शाहरुख इज़ ऑलवेज बेस्ट, अपना बेस्ट ऑफ बेस्ट दिया है, और बाकी ओके ओके ओके। मूवी की कहानी कैसी? ओके। मूवी की कहानी और अच्छी हो सकती थी, मतलब फ्रेंकली 10 out of 7। जैसी हमको एक्सपेक्टेड थी वैसी तो नहीं थी, वैसी नहीं थी, राजकुमार हिरानी की मूवी टाइप थी। वन टाइम वॉच है, ठीक है, वन टाइम वॉच तो देख सकते हैं, एक बार खर्चा कर दे 200-250। हाँ देख सकते हैं, देख सकते हैं, वन टाइम वॉच। हाँ मतलब मैसेजिंग के हिसाब से अच्छी है, मैसेजिंग तो हर अक्षय कुमार की मूवी रहती है यार। कुछ अच्छा देखने को मिला या नहीं? क्योंकि एंटरटेनमेंट क्या है ना कि पहली प्रायोरिटी रहता है, एंटरटेनमेंट वैसा भी मतलब जैसा राजकुमार हिरानी की मूवी में होता है, जैसे बांध के रखती है वो मूवी, यहाँ बाकी वैसी वैसा उस टाइप का तो नहीं था। एक्ट वाइज कैसी मूवी? एक्ट मतलब विक्की कौशल का जो स्पेशल अपीयरेंस था उसमें एक्टिंग अच्छी थी, बाकी शाहरुख भाई कैसे लगे? शाहरुख तो भाई, शाहरुख के तो फैन है तो वो तो अच्छे ही लगेंगे, वो कैसे भी करेंगे अच्छे ही लगते।
ठीक कहीं बोर करती है क्या? हाँ कहीं कहीं तीन बार सोया हूँ मैं, तीन बार सोया हूँ और आई डोंट थिंक इट्स अ वर्थ वॉच मूवी। मतलब वर्थ होनी चाहिए थी बट उतनी वर्थ लगी नहीं है हमको। क्या एक्सपेक्टेशंस कितनी ज्यादा थी क्योंकि राजकुमार हिरानी और वही बात है नाम राजकुमार हिरानी का दो बड़ी चीजें एक साथ जुड़ गई तो फिर लगता है ना कि वो अच्छी मूवी होना चाहिए करके, बट उतनी अच्छी निकली नहीं जितना हमको उम्मीदें लगी थी। क्या मॉर्निंग शो फर्स्ट शो लेके आए तो फिर अब होना चाहिए था बट नहीं लगी थी अच्छी। मूवी में कॉमेडी है, इमोशंस है, ड्रामा है, क्या क्या अच्छा क्या क्या रहा? उन्होंने ट्राई सब करा है बट कुछ मिक्सअप नहीं हो पाया है, वो सब ऊपर नीचे लेवल बहुत बिगड़ गया उनका। अच्छा। कहीं कॉमिक टाइमिंग खराब था, एंटरटेनमेंट जीरो हो गया था। फर्स्ट हाफ अच्छा है या सेकंड हाफ भी बेटर? सेकंड हाफ ही बेटर, फर्स्ट तो नहीं था अच्छा। इंटरवल से पहले भी सोया हूँ, इंटरवल में उठा था तो मुझे तो 3 घंटे पूरा वर्थ इट लगा। पूरी मूवी में अच्छी नींद आई उसको देख के, अच्छी नींद आ गई, बढ़िया मजा आया, बढ़िया उसको देख के सो सकते हैं। मतलब यार राजकुमार हिरानी से जो एक्सपेक्ट करते हैं उसका 1% भी मिला वो मतलब पहले 5 मिनट में समझ में आ गया था कि मजा नहीं आने वाला है, ऐसा वो मैं सोना बेहतर समझा था। मस्त है, फैमिली एंटरटेनमेंट है, कॉमेडी है और सोशल मैसेज अच्छा है। हाँ लेकिन शाहरुख खान जैसे 2 पिक्चर अभी लेके आए एक्शन मूवी थी, लेकिन आप अगर एक्शन मूवी सोच के आ रहे हैं तो ना है, लेकिन फैमिली एंटरटेनिंग है और सोशल मैसेज है। नहीं बोर तो कहीं भी नहीं करा, देखते जाओगे आपको इंटरेस्टिंग लगेगी। राजकुमार हिरानी की पिछली फिल्में कल्ट क्लासिक कही जाती है, कॉमेडी एंटरटेनमेंट मिलता है इसमें है कि नहीं? हाँ कॉमेडी भी है, एंटरटेनमेंट भी है और एक मैसेज भी है। जबरदस्ती थोपी हुई कॉमेडी तो नहीं लगती? नहीं नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं, फ्रेश क्लीन कॉमेडी है, जैसे आजकल की जो एडल्ट कॉमेडी आ रही है उससे तो अच्छी है। कैसी लगी? डिसअपॉइंटेड, फुल्ली डिसअपॉइंटेड। क्यों? क्योंकि राजकुमार हिरानी की मूवी है और 2 महीने पहले एक स्टेटमेंट आया था मुकेश छाबड़ा का कि 3 डेट से 100 गुना अच्छी पिक्चर है, ये पता नहीं क्या नशे वशे में करके कुछ स्टेटमेंट दिया। कास्टिंग करी होगी ना उसने यार? पता नहीं बट कास्टिंग वाइज भी बिल्कुल सही नहीं लगी। क्या क्या चीज़ों ने निराश किया आपको? इसकी स्टोरी ने, और सबसे बड़ी बात तो जब 1 साल पहले जब पता चला था कि डंकी टॉपिक होने वाला है तो लगा था कि राजकुमार हिरानी कन्विंस कर देंगे कि उनकी कोई वजह होगी लंदन जाने की, बट इस मूवी में क्या वजह थी? पैसा कमाना, बस पैसा कमाना, बस बस और कुछ वजह नहीं, कोई उनका कोई अपना वहाँ पे नहीं है, किसी से मिलने जाना है, सब कुछ वजह नहीं, बस पैसा कमा के इंडिया में भेजना, बस यही वजह है। कुछ भी इमोशनल साइड टच नहीं करता है पूरे पिक्चर में, ये लगता है जा क्यों रहे, इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं, और इतनी मेहनत करते हैं वो गोलियां खा के सरहद पार करके धूप में रेती में सब पूरा करके जाते, इतनी मेहनत अगर इंडिया में करते तो इससे ज़्यादा पैसा कमा लेते। आपको क्या लगता है सलार के सामने टिक पाएगी? सलार हिट हो जाएगी इसके आगे, क्योंकि ये 2 दिन या 3 दिन कमाएगी फिर उसके बाद सलारी, 3-4 दिन की तो इसकी बुकिंग ही हो गई भी। हाँ वही 4-5 दिन जो बुकिंग हुई है उससे ही कमाएगी। शाहरुख का एक्ट कैसा है? शाहरुख यार शाहरुख का बिल्कुल सूट नहीं करा, इसमें आमिर खान ही अच्छा लगता। अच्छा। हाँ क्योंकि ये क्या है कि राजकुमार हिरानी के क्या वैसे कैजुअल कैरेक्टर नहीं होते ना, ये बिल्कुल अलग कैरेक्टर होते हैं। शाहरुख खान क्या है कि वैसा कैरेक्टर है जो अपनापन वाला फील होता है, अब आमिर खान को देख के लगता है कि थोड़ा एबनॉर्मल टाइप से, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि ये बंदा अलग है, पर शाहरुख खान का ऐसा लगता है कि यार ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, मतलब पने कर, हाँ मतलब ये इन चारों के लिए पागल जैसे हरकतें क्यों कर रहा है, और उनको धोखा उसको धोखा भी मिल जाता है। अच्छा। तो कास्टिंग मेरे ख्याल से तो गलत है क्योंकि शाहरुख खान पे ऐसे कैरेक्टर सूट नहीं करते, क्योंकि शाहरुख खान अपना मतलब रिलेटेबल लगता है ना उससे। परफॉर्मेंस वाइज कैसी है? मतलब देखो विक्की कौशल है, तापसी है, बमन ईरानी है और शाहरुख खान है, चारों में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस कैसी? सबसे अच्छा विक्की कौशल का, क्योंकि उसकी वजह जेन्युइन लगी। अच्छा। मरने की उसकी वजह, मतलब मैंने स्पॉइलर दे दिया पर हाँ कोई दिक्कत नहीं। बॉय फर्स्ट हाफ अच्छा है? फर्स्ट हाफ इसलिए अच्छा है क्योंकि आप सोचते रहते हो कि अच्छा कुछ होगा पर सेकेंड हाफ जैसे स्टार्ट होता है पता चल जाता है कि कुछ भी नहीं है पिक्चर में। आउट ऑफ 5 0 पूरा डिसअपॉइंटमेंट, पूरा जीरो, हाँ पूरा जीरो। आनंद एल राय के बाद अब राजकुमार हिरानी की भी ले ली गई। हाँ और हाँ इसमें वो जो बुढ़ा दिखाया इनको तापसी पन्नू और शाहरुख खान को बहुत गंदा मेकअप किया है, आज तक का सबसे बेकार मेकअप किया है बुढ़े वाला। यंग में अच्छा लग रहा था क्या? नहीं मतलब अच्छा अच्छा तो लग रहा है बट वो कन्विंसिंग नहीं लगा कि वो बुढ़ा है। चलो ठीक, धन्यवाद। हाँ ठीक, थैंक यू।